नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कर्क राशि के दिसंबर 2022 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान यानी आराध्य भगवान का नाम आप जरूर लिखें। आइए, राशिफल शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सूर्यदेव, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हम बात करें सूर्य को लेकर तो यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं। बुध को लेकर अगर हम बात करें तो द्वादश और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। अगर हम शुक्र को लेकर बात करें तो यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी हैं, साथ के साथ चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। कर्क राशि वालों के लिए अगर हम कारक ग्रह की बात करें तो चंद्रमा, मंगल और देवगुरु बृहस्पति, ये कारक ग्रह माने गए। बात करते हैं राशिफल को लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे दशम भाव। दशम भाव के अंदर अगर हम बात करें राहु का गोचर हो रहा है। दशम भाव के अंदर मेष राशि आती है जिसके कि स्वामी मंगल है, तो मंगल और राहु इन दोनों का गोचर आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ के साथ हो जाता है कि कौन से भाव पर यानी दशम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। अगर हम बात करें राहु की तो यहाँ पर दशम भाव में राहु के स्थान को एक अच्छा स्थान माना गया है। राहु का गोचर दशम भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में, एकादश भाव में शुभ गोचर माना गया है। हालांकि आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी यहाँ पर राहु करा सकते हैं अगर उनका द्वादश भाव से कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो। दशम के स्वामी की बात करें मंगलदेव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र अच्छा रहने वाला है। दशमेश इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर मंगल का जो गोचर है, क्योंकि मंगल लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वृष राशि लाभ भाव के अंदर आती है, तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, उन्नति होने वाली है। कर्क राशि वालों के लिए अगर हम बात करें राहु यहाँ पर अचानक धन लाभ, अचानक परिवर्तन के योग जो कि अच्छे योग होने वाले हैं वो देने वाला है। बात करते हैं भाग्य की यानी नवम भाव के स्वामी की, तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं यानी मीन राशि से ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है। नवमेश का नवम भाव में गोचर शुभ समय अच्छा गोचर माना गया है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म के चंद्रमा, साथ के साथ पंचम भाव यानी अच्छे डिसीजंस आप लेंगे, परिवार का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। नवम भाव धर्म से रिलेटेड माना गया है, पिता से रिलेटेड माना गया है, तो यहाँ पर धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी यहाँ पर रुचि अत्यधिक बढ़ने वाली है। कुछ यात्रा भी आप धार्मिक यात्रा यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि नवम भाव का कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर तृतीय भाव से भी बन रहा है, तो यहाँ पर जो यात्रा है शुभ यात्रा हो सकती है। बात करते हैं लाभ की, तो लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं जो कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, साथ के साथ आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, शुभ रहने वाला है, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है, सपोर्ट मिलने वाला है। शुक्रदेव यहाँ पर वृश्चिक राशि से धनु राशि और धनु राशि से मकर राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, तो यह गोचर भी आपके लिए शुभ है। माह के अंत तक जो भी जातक बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी गोचर लाभदायक सिद्ध होने वाला है। दशम के अगर हम बात करें तो यहाँ पर दशम जो राशि है यानी मकर राशि शनिदेव अगर हम बात करें उनके स्वामी को लेकर सप्तम भाव में पड़ती है, तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम है वो शनि के गोचर के फलस्वरूप होने वाले हैं। शनिदेव मकर राशि से ही गोचर कर रहे हैं जो कि शुभ है, एक अच्छा योग बनाकर बैठे हुए। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पर नवम भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि गुरु भी यहाँ पर पहले से विराजित हैं आपके भाग्य भाव के अंदर, नवम भाव के अंदर, और शनिदेव तीसरी दृष्टि से वैसे भी एक्टिवेट कर रहे हैं, तो भाग्य यहाँ पर सपोर्ट करने वाला पूरे तरीके से रहने वाला है। पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है जो कि यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं। धनेश का पंचम भाव में गोचर शुभ गोचर माना गया है। सूर्यदेव यहाँ पर बुध के साथ विराजित हैं क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र के साथ में भी हैं, तो बुध, शुक्र और सूर्य तीन ग्रहों का पंचम भाव से गोचर अचानक आपके बुद्धि के अंदर अच्छे डिसीजंस लेकर आना है। साथ के साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्योंकि राहु की दृष्टि भी, नवम दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ पर सूर्यदेव जो अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि से धनु राशि के अंदर प्रस्थान करेंगे, तो सूर्यदेव के छठे भाव के गोचर को शुभ माना गया है। कॉम्पिटिशन्स में यहाँ पर सक्सेस भी अत्यधिक मिलने के चांस हैं, धन लाभ भी यहाँ पर आपको अवश्य होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर धन भाव के स्वामी, तो अपने से पंचम भाव में गोचर सूर्यदेव का शुभ गोचर अच्छा गोचर माना गया है। बात करते हैं यहाँ पर आपके हेल्थ को लेकर,
तो यहाँ पर अगर शनि की बात करें तो शनि की दृष्टि जो आपके जन्म के चंद्रमा पर है, साथ के साथ गुरु की दृष्टि भी पंचम दृष्टि आपके जन्म के चंद्रमा पर है, दोनों ही आपके यहाँ पर जन्म के चंद्रमा को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। तो शनि का और गुरु का गोचर, द्विग्रही गोचर आपके जन्म के चंद्रमा को प्रभावित करना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको हेल्थ को लेकर परेशानी कर सकता है, क्योंकि तो शनिदेव यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और शनि यहाँ पर कारक ग्रह भी नहीं है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का आपको सपोर्ट अवश्य मिलता रहेगा, यानी अगर मैं बात करूँ पारिवारिक सपोर्ट भी है। अगर मैं बात करूँ नवम भाव पिता से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पिता का सपोर्ट भी आपको अवश्य मिलता रहेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के साथ साथ उन्नति होगी, बिजनेस जो है वो अच्छा रहने वाला है। शनिदेव यहाँ पर एक अच्छा योग बनाकर बैठे हुए हैं, नवम भाव एक्टिवेट हो रहा है, भाग्य के बल के कारण आपको यहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सूर्य की राशि परिवर्तन के बाद में यानी मध्य माह में आपको कॉम्पिटिशन्स में भी सफलता मिलने के चांसेस यहाँ पर रह सकते हैं। लाभ भाव के स्वामी का गोचर शुभ गोचर है। धन्यवाद।